ये जो मेथी के दाने हैं ना, हमारे सभी प्लांट्स के लिए इतना फायदेमंद है ना, इसका यूज़ ना आपको अपने प्लांट्स पर जरूर करना चाहिए। ये आपके प्लांट्स में फूल और कलियाँ लाने में बहुत अधिक सहायता करता है। अगर आपके प्लांट्स में फूलों का साइज बिल्कुल छोटा छोटा हो गया है, ग्रोथ नहीं हो रहा है, या फिर फूल आते हैं और झड़ जाते हैं, या फिर कलियाँ आने के बाद सूख जाती हैं, फूल जो है अच्छे से खिल नहीं पाते हैं, इस तरह की जो समस्या आपके प्लांट्स पर हो रही है ना, इस तरह की समस्या को पूरी तरह से दूर कर देगी। तो मेथी के दाने का यूज़ ना आप अपने सभी प्लांट्स पर कर सकते हैं, चाहे वो आपके गुड़हल वाले प्लांट हो, चाहे मोगरा का प्लांट हो, अपराजिता का प्लांट हो, गुलाब का प्लांट हो, सभी पर इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से कलियां लाने में ये बहुत अधिक सहायता करता है। कलियां जो सूख जाती है, इस तरह की समस्या आपके प्लांट्स पर बिल्कुल नहीं आएगी। ये पूरी तरह से नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस से भरपूर ये जो है ना फ्रेंड्स, हमारे प्लांट्स के लिए फ़ायदेमंद है। ये आपके प्लांट्स की रुकी सी रुकी ग्रोथ को शुरू कर देगी। इस दाने का यूज़ ना आपको एक चम्मच अपने प्लांट्स पर कर लेना है। मात्र एक चम्मच इसका यूज़ अपने प्लांट्स पर कर लेते हैं ना, तो आपका जो प्लांट है ना, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, फ्लावर करता है। तो देखिए, इसका यूज़ ना आपको किस तरह से करना है, तो आप देख सकते हैं ये जो लिपिड है ना, पूरी तरह से फार्मेट हो चुका है और मैंने इसको पहले से बना कर रखा हुआ है। आपको भी ना इसी तरह से बना लेना है और इसका यूज़ ना आपको अपने प्लांट्स पर करना है। तो देखिए, इसके लिए आपको ले लेना है 1 लीटर पानी, और 1 लीटर पानी में ना एक चम्मच इस दाने का यूज़ ना आपको करना है। तो फ्रेंड्स, आप ना इसकी मात्रा अपने प्लांट्स के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से एक चम्मच ना इसका यूज़ ना आपको अपने प्लांट्स पर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जब ये पूरी तरह से फार्मेट हो जाएगा ना, जब अच्छे से ये मिल जाएगा, तब इसका यूज़ ना आपको अपने प्लांट्स पर करना है। तो देखिए, ये जो लिक्विड है ना, पूरी तरह से ना जो इसके गुण है, पूरी तरह से पानी में आ चुका है और ये जो लिक्विड है पूरी तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो फ्रेंड्स, जो मेथी के दाने होते हैं ना, इसे अगर आप ना भिगा कर रखेंगे एक दिन के लिए, तो जो लिक्विड आपको मिलेगा वो बहुत ही गाढ़ा होगा। तो इस जो गाढ़ा लिक्विड है ना, उसको आपको नॉर्मल पानी में मिलाना है। नॉर्मल पानी में मिलाने के बाद ही अपने प्लांट्स को देना है। तो फ्रेंड्स, ये जो लिक्विड है पूरी तरह से पोषक तत्व से भरपूर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस सभी प्रकार के इसमें पोषक तत्व है फ्रेंड्स, जो हमारे प्लांट्स की रुकी से रुकी ग्रोथ को शुरू कर देगी। इसका यूज़ ना महीने में आप ना 2 बार अपने प्लांट्स पर जरूर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट्स की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो रही है, तो इस तरह से अगर आप इस लिक्विड का यूज़ अपने प्लांट्स पर करेंगे ना, तो आपका जो प्लांट है ना, बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। आपके प्लांट्स की पत्तियों को हरा भरा बनाने में ये बहुत अधिक सहायतामंद है फ्रेंड्स। तो देखिए, कोई भी सर जब लिक्विड हम यूज़ करेंगे ना, तो हमें अपने प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई जरूर करना है। आप मिट्टी की गुड़ाई अपने प्लांट्स में ना महीने में 2 बार जरूर करें फ्रेंड्स, क्योंकि गुड़ाई करने से हमारे प्लांट्स में कीड़े मकोड़े और फंगस वगैरह है ना, वो आपके प्लांट्स की मिट्टी पर बिल्कुल नहीं आएंगे। क्योंकि जब धूप हमारे प्लांट्स की मिट्टी को लगती है ना, तो कीड़े मकोड़े फंगस वगैरह है जो, वो पूरी तरह से दूर हो जाते हैं। और देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके प्लांट्स पर इस तरह से जो सूखे फूल होते हैं, उसको आपको हटाते रहना है। अगर आपके प्लांट्स की पत्तियाँ इस तरह से पीली हो गई हो ना, उसको भी आपको हटाते रहना है। तो देखिए, इस तरह के जो होते हैं ना, हमारे प्लांट्स पर फंगस वगैरह बहुत अधिक लगा देते हैं, जिसके कारण हमारा प्लांट जो है खराब होने लगता है। तो ना इस तरह के जो सूखे फूल होते हैं, जो सूखी जो पत्तियां होती है, उसको आपको हटाते रहना है। तो देखिए, इसके लिए ना आपको ना 1 लीटर पानी ले लेना है। और आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, मेथी के जो दाने हैं वो नीचे बैठ चुका है, तो आप ना ऊपर के पानी को ना इस तरह से नॉर्मल पानी में मिला लेना है। तो देखिए, नॉर्मल पानी में मिलाने के बाद इस तरह से जो लिक्विड है ना, पूरी तरह से पतला हो जाएगा। अब इसका यूज़ ना आपको अपने प्लांट्स की मिट्टी की गुड़ाई करने के बाद ही इसका यूज़ करना है। तो आप देख सकते हैं, इस तरह की जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ना फ्रेंड्स, हमारे किचन में ही मिलने वाली चीज़ें हैं। इसके लिए आपको कहीं से भी बाहर से कुछ भी चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट से महंगी महंगी दवाइयाँ लाने की बिल्कुल आपको ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आप इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, हमारे किचन में मिलने वाली चीज़ें से इस तरह के खाद और फर्टिलाइज़र बनाकर आप अपने प्लांट्स को दे सकते हैं और अपने प्लांट्स पर इस तरह से फ्लावर पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं तो हमेशा इस तरह की जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ना, उसका यूज़ अपने प्लांट्स पर बहुत ज़्यादा करती हूँ। और आप भी इन चीज़ों का यूज़ करके आप अपने प्लांट्स पर इस तरह से कोई फूल और कलियाँ पा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, मेरे रोज़ के प्लांट में इस तरह से गुच्छों में कलियाँ आई हुई है। और फ्रेंड्स, ये हमारे सभी प्लांट्स के लिए, हमारे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ही सहायतामंद है। इसका यूज़ ना अब महीने में 2 बार ज़रूर करें अपने प्लांट्स पर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका यूज़ ना अगर आप अभी गर्मियों में कर लेते हैं, तो ये आपके प्लांट्स को ना गर्मी से भी बचा कर रखेगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरे गुड़हल के प्लांट में कितनी सारी इसमें कलियां आई हुई है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मेरा जो कनेर का प्लांट है, ये इसमें ना जो कलियाँ, जो फूल आए हुए थे, देख गर्मी के कारण पूरी तरह से देखिए जल गए हैं इसके जो फूल हैं। तो आप ना इन फूलों को बिल्कुल ना रखें, उसको आप हटा दें, ताकि आपका जो प्लांट है ना, इन फूलों को हटा देंगे ना, तो आपका जो प्लांट है बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। फ्रेंड्स, इस लिक्विड का यूज़ करके ज़रूर देखिए, इसके फायदे आपके प्लांट्स को ज़रूर होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फ्रेंड।